हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रेस रिलीज की है सीटेट ने, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कंफर्म हो गया है कि जो आने वाला सीटेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो आइए जान लेते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या-क्या बातें करी गई हैं, क्या सिलेबस में कुछ चेंज आया है या फिर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पढ़ते हैं इसको। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज प्रोवाइडेड ए होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स ए शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड्स एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसीज एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो अब ये एग्जाम का पैटर्न रखेंगे वो रोट लर्निंग पर डिपेंड नहीं होगा, यानी कि जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीजें डेवलप की जाएंगी। तो इसमें आगे जो दिया इन्होंने, था एनईपी जो नेशनल एजुकेशन न्यू पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत इन्होंने डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं, पेडागोजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो द ट्रांसफॉर्मेशन एंटायर नेशनल इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यानी कहने का मतलब क्या है इसमें कि कम्प्लीटली ये डिजिटल की ओर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अभी तक ये पेपर हो रहे थे उसमें काफी हद तक पेपर की भी बर्बादी हो रही थी, बट अगर डिजिटल ये कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, एक तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और एक टीचर्स के लिए भी एक ये रहेगा कि अगर आप हम टीचिंग को एज ए करियर देख रहे हैं तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी इम्प्रूव कर पाएंगे। आगे देखने को, अपहोल्डिंग द पर्पस ऑफ द टेट सीबीएसई हैज कमिटेड टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट कोर पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड फिल्टरिंग कैंडिडेट विद द एप्टीट्यूड एंड पैशन टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि जो टेस्ट रहेगा उसमें कैंडिडेट के एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड को फोकस किया जाएगा। सीटेट शुड बी रिफ्लेक्ट द कोर एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन, मीजर दीज आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसीज विद ए फेयर डिग्री ऑफ वैलिडिटी रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस। तो इसमें आने वाले समय में जो काफी जो चेंजेस करेंगे, तो पहला तो चेंज यही है कि ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी इसमें, अभी जब आप पूरे इसको नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे जानेंगे इसके बारे में कि इसमें जो भी पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो पहले भी 150 क्वेश्चन आते थे और अब भी 150 क्वेश्चन ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी और नेगेटिव मार्किंग अब भी नहीं रहेगी। बाकी जो सीबीएसई है या सीटेट है ये अपने ब्लूप्रिंट को भी जारी करेगा, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा कुछ सेंटर्स भी ये बनाएगा जहां पर जाकर हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन में पेपर किस तरीके से देना है। तो बाकी जो एग्जाम इस ईयर का जो होने की जो मोस्ट प्रोबेबल है, दिसंबर और या फिर जनवरी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो लिखा भी है यहाँ पर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। तो ये ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लिखा भी है, द सीबीएसई विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यानी कि वो अपने सेंटर्स बनाएगा जहां पर जाकर हम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन का अभी कुछ नहीं है, बाकी अगस्त के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, बाकी इसकी तैयारी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यही था इस प्रेस रिलीज में।